साबुदाना ये एक ऐसी चीज़ है, इसका कुछ भी बना लो, या बड़ा बना लो या चीला बना लो या इसकी खिचड़ी बना लो, ये ऑलवेज टेस्टी ही होते हैं। मैंने बड़ा बनाया है, देखिए कितने कुरकुरे बने हैं ये। अब आज सुनिए आप, ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इसे बनाने के लिए मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, 3 बॉयल्ड आलू लिए हैं, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी साबुदाना भिगो के रख लिया था, वो लिया है मैंने। देखिए साबुदाना एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बनाने से 3-4 घंटे पहले आप इसे भिगो के रख लीजिएगा। आलू में मैंने साबुदाना ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने एक पेस्ट बना के रखा है, हरी मिर्च, हरे लहसुन की पत्तियां और अदरक का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने ऐड किया है अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और धनिया की पत्तियाँ। इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला वगैरह या धनिया पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू आप कैसा खाना पसंद करते हैं। मैं इसमें मसाले ऐड करना पसंद नहीं करती हूँ, इसमें थोड़ा सिंपल ही रखती हूँ मैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाइंडिंग अच्छी करने के लिए आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बेसन ऐड नहीं किया है, मैं इसे ऐसे ही बाइंड कर रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से हो जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लेके हाथों की अच्छे से ग्रीसिंग करके अब हम इसको शेप देंगे। आप जैसा चाहें वैसा शेप इसे कर सकते हैं, बड़ा छोटा या ओवल शेप में आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ऐसे ही हम अपने सारे बड़े बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे सारे बड़े बन के रेडी हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके हम सारे बड़े इसमें डाल लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिएगा, मीडियम हाई फ्लेम रहेगा। एक तरफ के हमारे वड़े सिक चुके हैं, हमने इसे पलट दिया है। ये देखिए हमारे वड़े फ्राई हो चुके हैं, देखिए कैसे क्रिस्प गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो हमारे क्रिस्पी करारे वड़े बनके रेडी हैं, इसकी ब्रेडिंग कर लेते हैं। इसके साथ जो मैंने चटनी सर्व करी है, इसकी रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। साबुदाना वड़े इस चटनी के साथ खाने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसकी रेसिपी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। एंड आप एक बार ये वड़े बना के ट्राई जरूर करिएगा।